नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में नशा विरोधी मुहिम को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे प्रवीण काशी से मिलने के लिए अभय सिंह चौटाला पहुंचे। बीजेपी में टिकटों को लेकर के मचे घमासान को लेकर के अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी द्वारा अन्य पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए जिस प्रकार भूख लगी हुई थी और उसके नतीजे भी अभी शुरुआती में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा दूसरी पार्टी के नेताओं को झूठे आश्वासन और विश्वास दिलवा करके भरोसा देकर के अपनी पार्टी में शामिल किया था। वही नेता अब बीजेपी के कपड़े फाड़ते नजर आएंगे और बीजेपी को अपनी औकात दिखाएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो छोड़कर जाने वाले नेताओं को भी पार्टी में वापसी लेने के लिए और उनके सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इनेलो छोड़कर गए हुए हमारे पुराने साथी हैं और अगर वे वापस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अभय चौटाला की ओर से यह बात उस समय कही गई जब बीजेपी ने जाने माने दल बदलुओं की टिकट कई जगह पर कटती नजर आ रही है। इससे अभय सिंह चौटाला की ओर से बीजेपी की टिकट नहीं मिलने पर दल बदलुओं के लिए पार्टी में वापस आने का न्योता भी कहा जा सकता है। वहीं इसको लेकर के अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वह सबसे पहले भी विधानसभा में नशे को लेकर के सवाल उठा चुके हैं और सत्ता में आने के बाद नशे को जड़ से खत्म करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हमने इस इशू को बहुत पहले विधानसभा में उठाया, मैंने इस पे काम लोग को प्रस्ताव दिया, 47 मिनट तक इसके ऊपर मैंने चर्चा करी, मैंने जिले बार बताया सरकार को कि कहाँ कहाँ इस नशे के कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं। ये सारी जानकारियाँ मैंने अपनी पार्टी के जो वहाँ पदाधिकारी थे, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, के किसी प्रधान थे या कोई सामाजिक कार्यकर्ता थे या जो डॉक्टर थे वहाँ के, इवन डॉक्टरों से भी मैंने पूछा कि रिहैब सेंटर कितने चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। इवन CMO को टेलीफोन करके मैंने जानकारी ली कि आप बताओ मुझे कि कहाँ रिहैब सेंटर है, कितने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, रोजाना कितने पेशेंट्स की संख्या है। सरकार के सामने एक एक चीज़ मैंने खुल करके बताई, लेकिन सरकार इस चीज़ के ऊपर इसलिए रोक नहीं लगा रही कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग इसमें पूर्ण रूप से शामिल है। मुख्यमंत्री तो विधानसभा छोड़ करके वहाँ खड़े हुए कि आज मैं फंस करके खड़ा हो गया, मैं इस बात पे क्या जवाब दूँ। मैंने नाम बताए कि ये लोग इस कारोबार में शामिल हैं। हैरानी की बात है, आज भी इनके अनशन के बाद भी इतने दिन से लगातार बैठे, सरकार की तरफ से कोई अधिकारी भी इनके पास चल करके नहीं आया कि हम आपके इस अभियान में आपके साथ हैं, आप अनशन को ख़त्म करो, लोगों के बीच में जाओ। मैं तो इनसे ये कहने हूँ कि आप इस अनशन को यहाँ से ख़त्म करो, लोगों में जाओ, लोगों में सरकार की पोल खोलो और लोगों में जागृति पैदा करो कि सरकार ही इस धंधे को करवा रही है। इनेलो सरकार आती है तो किस तरह का नशे पर प्रहार किया जाएगा? प्रहार नहीं, हम इसको जड़मूल से समाप्त करेंगे और इस नशों के कारोबार में जो लोग शामिल हैं हम केवल उनको, यहाँ के जो लोग हैं उनको नहीं, वो कहाँ से लेकर के उन लोगों तक भी हाथ डालने का। इनेलो की उम्मीदवारों की कब तक लिस्ट फाइनल हो जाएगी? 2 अक्टूबर। एक घमासान चल रहा है जी बीजेपी में, राविंदर जीत अपनी बेटी को टिकट दिलवाने पर अड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा केंद्रीय मंत्री के पद से, तो काफ़ी अभी आप और इंतजार, ये शुरुआत है। जिस तरह भाजपा को भूख लगी हुई थी अलग अलग पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर, जहाँ इन्होंने झूठे विश्वास और भरोसे देखे, नहीं उन लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, नहीं उनको लालची बनाया, वही लोग इनके कपड़े फाड़ेंगे, वही लोग इनको इनकी औकात बताएंगे कि तुम कैसे लोग। दूसरे दल जो छोड़ के गए थे उनको भी चिंता सताने लगी टिकट की, बैगा मोला उनमें भी टिकट कट जाएगा। अभी बहुत सारे आएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो इस बात? जो इनेलो छोड़ के गए थे भाजपा में, क्या दोबारा भाजपा में आना चाहे तो उनके पास इनेलो में टिकट ना मिला तो अगर कोई सद्बुद्धि आएगी किसी को तो विचार करें। हमारे पुराने साथी भाजपा आए, हम उनका स्वागत करेंगे,